स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में। हम लोग आज पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के मशहूर शहर धर्मशाला में। हर साल देशी और विदेशी लाखों लोग हिमाचल प्रदेश के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं। असीम सुंदरता, पर्यटन स्थलों और अपनी आकर्षक जगहों के लिए मशहूर देवभूमि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ इन दिनों पर्यटकों से गुलजार हैं। प्रदेश में बर्फबारी का दायरा बढ़ने के साथ साथ जगह जगह सैलानियों की आमद बढ़ती जा रही है, जिससे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरों पर रौनक छा गई है। इन खूबसूरत वादियों, बर्फ से ढकी चोटियों और कभी न भूलने वाले इन मनमोहक नजारों को बेहद करीब से देखने लाखों सैलानी हर साल इस पर्वतीय प्रदेश में आते हैं। गर्मियों में ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाने तो सर्दियों में बर्फबारी का मजा लेने के लिए सैलानियों में होड़ सी मच जाती है। इतना ही नहीं, स्नोफॉल का जिक्र होते ही हिमाचल प्रदेश की राजधानी और हिल्स क्वीन के नाम से मशहूर शिमला का नाम सबसे पहले जहन में आता है। खूबसूरत पहाड़, इन खूबसूरत वादियों को देखने के लिए हर साल लाखों सैलानी देश और विदेश से हिमाचल प्रदेश आते हैं। यहाँ पर आए देशी विदेशी सैलानियों ने भी पर्यटन उद्योग में ही सबसे ज़्यादा निवेश करने की इच्छा जाहिर की है। अगर वो सारा निवेश फलीभूत होता है, इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में सैलानियों को एक नया और समृद्ध आधारभूत ढांचा मिलेगा, साथ ही साथ उनको जो रोज़मर्रा की तकलीफ़ें आती हैं उनसे भी रूबरू नहीं होना पड़ेगा। नए होटल्स, रिजोर्ट्स और गेस्ट हाउसेस उनका बाहें फैलाकर इंतज़ार कर रहे होंगे। जहां तक पर्यटन का सवाल है तो हिमालय के प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश पर्यटन के लिहाज से सबसे प्रमुख है। पिछले एक दशक में हिमाचल में पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। पहले ज्यादातर पर्यटक गर्मी के मौसम में हिमाचल प्रदेश का रुख करते थे, लेकिन अब साल भर पर्यटकों का यहाँ तांता लगा रहता है। इस पहाड़ी राज्य में पर्यटन उद्योग काफी फल फूल रहा है। हिमाचल प्रदेश को कुदरत ने दिल खोल कर मनोहारी वादियों से नवाजा है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने और इसके जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से जयराम ठाकुर सरकार ने कई नई योजनाएं शुरू की हैं। नई राहें, नई मंजिलें, ये योजना इन्हीं में से एक है जो प्रदेश के अनछुए पर्यटन स्थलों तक सैलानियों को आकर्षित करने में कारगर साबित हो रही है। नई राहें, नई मंजिलें योजना के तहत सरकार सूबे में 9 पर्यटन सर्किट तैयार कर रही है। राज्य सरकार का मकसद हिमाचल प्रदेश में दीर्घकालिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है और इसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढांचे को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यटन की नई अवधारणाओं को बढ़ावा देकर रोजगार के नए मौके पैदा करने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस बार प्रदेश में ऐसा अनूठा काम किया जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किए बिना नहीं रह सके। धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये सुनते ही कुछ जरा अटपटा लगता है, लेकिन ये कल्पना नहीं है, सच्चाई, अभूतपूर्व, अद्भुत, बधाई हो आपको। यह हिमाचल प्रदेश का एक स्टेटमेंट है पूरे देश को, पूरी दुनिया को, कि हम भी अब कमर कस चुके हैं। आज हिमाचल कह रहा है, यस वी हैव अराइव्ड।
हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार यहां वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में पहुंचे देशी विदेशी निवेशकों ने निवेश करने में दिलचस्पी दिखाई। इस आयोजन से देवभूमि हिमाचल में उम्मीदों को पंख लगने की आस है। चार बड़े सेक्टरों सहित सभी क्षेत्रों में लगभग 93,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुहर लगाई गई। हिमाचल भौगोलिक दृष्टि से कठिन प्रदेश है और यहाँ लोग यही मान के पहले आज से पहले यही मान करके चलते थे कि यहाँ कुछ दिन के लिए आना, घूमना फिरना यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ आ करके इन्वेस्टमेंट करना और अपने इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित इन्वेस्टमेंट के रूप में मानना, इन सारी चीज़ों को लेकर के कई तरह के प्रश्न यहाँ पर लोगों के दिमाग में रहते थे। तो हमने एक जो ये कोशिश की कि जो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट है, इसके माध्यम से हम पूरे देश भर में, देश के अलावा बाहर देश से भी बहुत सारे लोगों को बुलाएं और वो देखें हिमाचल प्रदेश, देखने के बाद अनुभव करें कि हम हिमाचल प्रदेश में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सुरक्षित है और सुरक्षित के साथ साथ में ये एक जगह है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, काम करना चाहिए और प्रदेश के विकास में भी उसका योगदान रहेगा। माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में 93,000 करोड़ रुपए के निवेश से करीब 1,85,000 नए रोजगार पैदा होंगे। पर्यटन क्षेत्र में बढ़ोतरी और निवेश की अपार संभावनाओं के मद्देनजर जानकारों का कहना है कि राज्य में और बेहतर पर्यटन स्थल को विकसित करने की जरूरत है। ऐसे में देशी विदेशी निवेशकों की ओर से पर्यटन क्षेत्र में निवेश में दिलचस्पी दिखाने से उम्मीदें काफी बढ़ी हैं। We are coming here for invest in hotels and tourism. We are interested in some areas here in Dharmashala, Shimla, and also in especially in Manali because of the highest mountain there, Rohtang. But as what we noticed, me and my partner in Dubai, on our way to Manali, that it needs development in infrastructure and the roads. Okay. I think there is some. I saw some good projects in the roads and infrastructure. हिमाचल सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोप वेज एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया है। ये कॉरपोरेशन राज्य में रोपवे के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करेगा। हमारे जो MOU साइन हुए हैं, मेमोरेंडम जो साइन हुए हैं, उनमें ज़्यादातर टूरिज्म के हैं और टूरिज्म में लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, चाहे कल्चरल टूरिज्म है, एडवेंचरस स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ, और इसके बाद जितने रिजॉर्ट्स हैं, रोपवेज एक्टिविटीज़ हैं, हमारे यहाँ पे रोपवेज एक्टिविटीज़ काफ़ी हैं, उसमें लोग उसको लेके लोग काफ़ी बाहर के इन्वेस्टर हैं, फॉरेन के डेलीगेट्स भी हैं, नीदरलैंड्स, हॉलैंड, तो ये काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और इस चीज़ को वो प्लान कर रहे हैं। हमारे अभी तक 3,000 करोड़ के जो MOUs हैं वो ग्राउंडेड हो गए हैं, धरातल पर आ गए हैं। हमें रिजॉर्ट और वेलनेस में सबसे ज़्यादा मिला है और रिजॉर्ट के बाद अगर मैं बात करूँगा तो रोपवेज के MOUs ज़्यादा मिले हैं। वैश्विक निवेशक सम्मेलन से पहले इसी साल हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार ने राज्य के लिए 6 नई नीतियां बनाई। इनमें उद्योग, पर्यटन, फिल्म, आयुष, ऊर्जा और IT एवं ITs नीति 2019 शामिल हैं। एक आंकड़े के अनुसार इन बदलावों का लाभ ये मिला है कि सरकार ने करीब 600 निवेश के प्रस्ताव पर अलग अलग कंपनियों के साथ समझौते किए। इनमें सबसे अधिक ऊर्जा क्षेत्र में कुल प्रस्तावित निवेश 33,812 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटन क्षेत्र में प्रस्तावित निवेश करीब 14,955 करोड़ रुपए, उद्योग क्षेत्र में 13,682 करोड़ रुपए का है, तो वहीं हाउसिंग क्षेत्र में प्रस्तावित निवेश 12,277 करोड़ रुपए का है। जब इसके बारे में सोचा गया तो ये सोचा गया कि केवल हम उद्योगों में ही निवेश नहीं चाहेंगे,
हिमाचल की जो ज्योग्राफी है, जो यहाँ की विशेषताएं हैं, उनको देखते हुए हमने टॉपिक्स और सेक्टोरल जहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है उनको चुना। हिमाचल में निचला इलाका भी है और बहुत बड़े पहाड़ भी हैं, तो हमने ये निर्णय किया कि जो निचला क्षेत्र है जो कि पंजाब हरियाणा के पास है, वहाँ पर उद्योगों में आईटी सेक्टर में निवेश आ सकता है। उससे ऊपर का जो क्षेत्र है उसमें हाउसिंग की डिमांड बहुत होती है, फूड प्रोसेसिंग की डिमांड होती है, उस तरह का इन्वेस्टमेंट वहाँ आ सकता है। अगर हम उससे भी ऊपर जाएं, जो शिमला का एरिया है या डलहौजी का एरिया है, वहाँ पर टूरिज़्म की बहुत अधिक संभावनाएं हैं और उसमें बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट आ सकता है। इको टूरिज़्म में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट आ सकता है और उससे भी ऊपर जो हाई अल्टीट्यूड पहाड़ हैं किन्नौर लाहौल स्पीति में, वहाँ पर हाइड्रो पावर्स की बहुत अधिक संभावना है। भारतीय एंटरप्राइजेज विल बी इन्वेस्टिंग ओवर 1,000 करोड़ रुपीज़ इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स एंड आई एम श्योर दैट विल इंश्योर द बेसिक कनेक्टिविटी इन द फार फ्लंग एरियाज ऑफ हिमाचल इनेबलिंग द बिजनेसेस टू मूव फॉरवर्ड। Let me talk about one big vision which the Honorable Prime Minister has given to us and especially all the Indians, Digital India and digitization. And I believe telecom sector and the telcos with the tower cos, the tower companies are making that reality into being in a fast track mode. With 5,700 kilometers of fiber in the ground, 4G launched, largest basic banking network through the Airtel Payment Bank with 1,800 banking points and covering 6,700 village and towns is something which we are very proud of. And I want to compliment my team members who are here, who really work hard against adverse conditions. वैश्विक निवेश सम्मेलन में सबसे ज्यादा जोर हाइड्रो पावर एनर्जी पर रहा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पहाड़ और नदियों की बहुतायत की वजह से देश के कुल हाइड्रो पावर उत्पादन में से करीब 25.9% हाइड्रो पावर उत्पादन की क्षमता अकेले इसी प्रदेश में है। ऐसे में हाइड्रो पावर सेक्टर में अब तक सबसे अधिक निवेश की उम्मीद की जा रही है। इसके तहत सम्मेलन में ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे अधिक 27,812 करोड़ रुपए के 15 MUs पर दस्तखत हुए। राज्य में ऊर्जा उत्पादन की क्षमता के मुताबिक काम नहीं हुआ है, ऐसे में निवेशकों को सबसे ज्यादा हाइड्रो एनर्जी में निवेश की इच्छा है। पूरे कंट्री में भारतवर्ष में 150 गीगावाट का पोटेंशियल है, जिसमें से अभी तक करीब 45 गीगावाट हार्नेस हुआ है। उस 45 गीगावाट में से 10.5 गीगावाट हिमाचल में ही हार्नेस हुआ है और हिमाचल में टोटल पोटेंशियल जो है हाइड्रो पावर का वो हार्नेसेबल 23.5 गीगावाट है। अभी कुछ प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन बाकी प्रोजेक्ट जो है उसमें अभी इन्वेस्टमेंट वो नहीं आ रही थी। तो हिमाचल प्रदेश ने इसमें इंसेंटिव्स दिए हैं डेवलपर्स के लिए जी, इन टर्म्स ऑफ डेफर्ड फ्री पावर, रिम्बर्समेंट ऑफ स्टेट GST या और कोई कई इंसेंटिव्स हैं। तो उस इंसेंटिव से जो हाइड्रो पावर डेवलपर्स हैं वो आएंगे और जो रिमेनिंग पोटेंशियल है हाइड्रो पावर का वो डेवलप होगा। तो देश की ऊर्जा डिमांड और प्रदेश अभी ऑलरेडी सरप्लस है, उसे रेवेन्यू अर्न होगा एडिशनल हाइड्रो पावर जनरेशन से। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन के साथ साथ यहाँ का सेब भी दुनिया भर में मशहूर है। उसी को देखकर रूस और नीदरलैंड से आए वैज्ञानिकों और निवेशकों ने दावा किया है कि अगर उनकी तकनीक का यहाँ पर सरकार इस्तेमाल करे तो आने वाले वक्त में यहाँ पर सेब की पैदावार दोगुनी से भी ज्यादा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश बागवानी के लिए भी काफी मशहूर है और यहाँ इस क्षेत्र में पर्याप्त संभावनाएं भी मौजूद हैं। सेब उत्पादन की बात करें तो भारत में जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश का दूसरा स्थान है, लिहाजा सम्मेलन में बागवानी को काफी महत्व दिया गया। बागवानी के क्षेत्र में 52 करोड़ रुपए के 4 MOUs साइन हो चुके हैं। I learned the technology in France, but I'm working in Russia, and we have a good experience, a good specialist in Russia, because during 10 years Russia, 15 years Russia plant a lot of quantity of trees, orchard. 10 years ago, Russia imported a lot of apple. From Poland, from France, from Italy, from New Zealand.
And now Russia is self-sufficient. That's why now we could export our technology, our know-how. हिमाचल सरकार की एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय के साथ रूस और नीदरलैंड्स की कंपनियों ने सेब की पैदावार बढ़ाने की तकनीक देने के लिए भी करार किया है। इनमें सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो लग रहा है हमें स्पोर्ट्स में है, जैसे आइस स्केटिंग रिंग की बात करें या हम ऑल वेदर विंटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करें, तो ये काफ़ी इन कंपनीज़ में नीदरलैंड्स कंपनीज बहुत आगे हैं सेक्टर्स में। और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में बहुत ज़्यादा रुझान है, क्योंकि आज हिमाचल को ज़रूरत है ग्रीन हाउसेस की। जिस हिसाब से मोदी जी बोलते हैं कि भाई 2022 फार्मर्स की इनकम डबल करनी है, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करना पड़ेगा सरकार को, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करना पड़ेगा लोगों को, कंपनीज़ को। तो वहाँ पर अगर आप ग्रीन हाउस जैसे एक एस्टेब्लिश करते हैं तो उससे टेन फोल्ड आप अपना प्रोड्यूस बढ़ा सकते हैं, और जो क्वालिटी ग्रीन हाउसेस से निकलेगी उसका प्राइसिंग भी कम्प्लीटली एक अच्छे मार्जिन पर आप बाहर बेच सकते हैं, तो उसके डबल बेनिफिट हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट को, जहाँ नीदरलैंड्स की एग्री कंपनीज, हॉर्टी कंपनीज काफ़ी रोल प्ले कर सकती हैं। हिमाचल प्रदेश पूरे देश में बेहतर शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल का नाम सबसे ऊपर है, पर्यावरण और स्वास्थ्य सेवाओं में दूसरे स्थान पर है, कानून व्यवस्था भी देश के दूसरे राज्यों की अपेक्षा बेहतर है। देखें हिमाचल प्रदेश, देखने के बाद अनुभव करें कि हम हिमाचल प्रदेश में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सुरक्षित है, और सुरक्षित के साथ साथ में ये एक जगह है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, काम करना चाहिए, और प्रदेश के विकास में भी उसका योगदान रहेगा और उनके अपने व्यवसाय में, अपने कामकाज में भी उनका योगदान उसमें रहेगा। अभी हमने इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहुत कार्य किया है। जो मेजर कार्य था, जो ये जितना भी शुरुआत हुई है रोपवेज के लिए, ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा करी गई है। सबसे पहले तो एक नोडल एजेंसी बन गई, नंबर एक, इन्वेस्टर को पता नहीं लगता था कौन से डिपार्टमेंट जाए, अर्बन एरिया अर्बन डेवलपमेंट में जाए, रूरल है रूरल में जाए, टूरिज्म से लगाना है टूरिज्म में जाए। अब एक सिंगल एजेंसी है, वहीं पर वो आता है, अपना MOU साइन करता है और ये कार्य कर सकता है। नंबर दो, फॉरेस्ट क्लीयरेंस कराना। फॉरेस्ट क्लीयरेंस एक हिमाचल प्रदेश सरकार की पहल थी, जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया कि जो राइट ऑफ वे हमारा बीच का आता है, जहां हमारी वायर्स क्रॉस होती हैं, वो एक बहुत बड़ा एरिया बन जाता है, उस एरिया को एक्सक्लूड कर दिया जाए क्योंकि उसके हम पेड़ों को नहीं काटते हैं। तो भारत सरकार ने ये छूट दे दी हुई है रोपवेज के लिए, जिसमें अब हम सिर्फ लोअर टर्मिनल, इंटरमीडिएट टर्मिनल और अपर टर्मिनल के FCA कराएंगे, वही लैंड एक्वायर करेंगे। पहाड़ी इलाका और नैसर्गिक सौंदर्य के कारण यहाँ पर लोग एक फिल्म सिटी भी स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। हम फिल्म सिटी बना रहे हैं और ये हम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बना रहे हैं। सिरमौर में भी अगर मैं आपको बताऊं, एग्जैक्टली ये मोरनी हिल्स आपने सुना होगा, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन, तो जस्ट उसके साथ में है। अच्छा जी, तो क्या होगा इसमें, कितना काम हो गया, कौन बना रहा है, सरकार बना रही है? नहीं, सरकार नहीं बना रही है, लेकिन हमारी अपेक्षा है कि सरकार से भी हम कुछ मदद लें। एक्चुअली इसको हम बना रहे हैं, जैसे पुणे में फिल्म डिवीजन इंस्टीट्यूट है, उसी को सामने रख के, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। अभी तो मेन जो हमारा कंसेप्ट है वो ये है कि जैसे रीजनल सिनेमा को एक तो हम प्रमोट करें, और जो हिमाचल की अपनी फोक है, जो कल्चरल हेरिटेज है, उसको हम कंजर्व कर सकें। और जो यूथ है, देखिए टैलेंट हर स्टेट में है, हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर जगह है, हम चाहते हैं कि वो टैलेंट बाहर जाके लॉस्ट हो जाता है। इसके अलावा कई ऐसे उद्योग समूह हैं जो पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले संसाधनों से इको फ्रेंडली सामान तैयार करके ही पर्यावरण की रक्षा करने के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के साधन भी प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। IAS ऑफिसर हैं मिस्टर ललित जैन, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि यहाँ जो बड़े जंगलों में जो पौधे होते हैं उनके पत्तों से हम क्यों नहीं पत्तल बनाएं, और वो पत्तल बना के वो हम उसको एज ए सब्स्टिट्यूट प्लास्टिक की एक्सपांडेड जो पॉलीथीन वगैरह हैं उसकी जगह पे हम उसे ऑफर करें। तो बेसिकली ये मशीन इसलिए बनाई गई है कि ये ग्रामीण उद्योग में जैसे अनस्किल्ड लेबर, वहाँ के जो घर में काम करने वाली जो लेडीज़ हैं, वो लोग भी इसे बड़े आसानी से चला सकते हैं, एक्सीडेंट नहीं होता है, भले प्रोडक्शन थोड़ा होता है लेकिन वो वहाँ से अपने जंगलों से पत्तल बिन के लाते हैं
और उसी को स्टिचिंग करके और इससे पत्तल और दोना बनाते हैं। तो ये पहाड़ी इलाकों के लिए स्पेशली मशीन बनाई गई है, छोटे छोटे कस्बों के लिए बनाया गया। मतलब आप ये सिंगल प्लास्टिक से, हाँ अभी आप आपके पास अगर एक सस्ता अच्छा टिकाऊ सा एक सब्स्टिट्यूट दे दिया गया, ये मेरे ख्याल से इसका एक एक पत्तल की कीमत मैक्सिमम एक रुपया आती है, तो ये प्लास्टिक का आपका और रोजगार मिल रहा है। आपका पत्ता है जो पहाड़ी से जो गिर रही है पत्ते, वो तो आपके वेस्ट हो जाते हैं, तो उसको आप ग्रामीण ने जाके बिन के लाए और उससे आपने इसको पत्तल बनाया, लोगों के यूज़ आया, उनकी थोड़ी सी अपने लो कॉस्ट मशीन और उनकी अपनी इनकम बढ़ जाती है। यू नो दैट आवर रिलेशंस बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन रशिया एंड इंडिया आर ऑन द high ranking level and on the top because we are not only friends, we are not only partners, we are, next year we will be celebrating the anniversary of our privileged strategic partnership. Of course we have to use these opportunities and to fill up our agenda not only with political dimension, not only with cultural dimension, but of course with economic and trade. And as far as Himachal Pradesh, it's a Matribhumi for Russian Indian family of Rurik. It's a place of attraction of numbers of thousands of Russian tourists. हिमाचल प्रदेश सरकार ने निवेश को आकर्षित करने के लिए इन्वेस्टर मीट की योजना बनाने से पहले बिजनेस फ्रेंडली वातावरण तैयार करने के प्रयास किए हैं। इसके लिए कई कानूनों और नियमों में जरूरी बदलाव भी किए गए हैं। वर्तमान में देखा जाए तो सभी औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सरकार मूलभूत सुविधाओं को सुधारने की दिशा में काम कर रही है। पार प्रोजेक्ट स्थापित होने की संभावना है, सरकार वहां सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन्वेस्टर मीट के दौरान उद्योगपतियों से वादा किया है कि सरकार सभी सुविधाएं प्रदान करेगी। अब देखना यह है कि सरकार इन्वेस्टर मीट की सफलता के बाद उद्योगों को स्थापित करवाने के लिए क्या कारगर कदम उठाती है और इसमें किस हद तक सफलता मिलती है। हिमाचल सरकार निवेशकों को अलग अलग तरीके के इंसेंटिव्स और रिबेट देकर अपने प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश के रास्ते खोलने की कोशिश कर रही है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरे कैमरा सहयोगी सुधांशु भूषण शाहू और सुनील कुमार पासवान के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।